हैज अराइव्ड। सो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिल अपना पिक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम जो चलाने वाले हैं वो मोटरसाइकिल है KTM 250 ड्यूक। जी हाँ, तो ये पहली बार मेरे साथ होगी KTM ड्यूक के साथ जो मैं ट्रिप करने वाला हूँ। इससे पहले मैं कभी भी KTM ड्यूक में मैंने कभी भी मतलब ट्रिप कोई नहीं किया है। आई डन लॉट ऑफ ट्रिप्स ऑन KTM एडवेंचर पे किया हूँ, फिर और डोमिनार पे किया हूँ, बहुत सारे अलग अलग मोटरसाइकिल पे किया हूँ, लेकिन KTM 250 ड्यूक के साथ कभी भी नहीं किया हूँ। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। अभी मैं जो शोरूम को जा रहा हूँ वहाँ पे जो है मुझे ब्रांड न्यू बाइक मिलने वाला है। मतलब 1-2 किलोमीटर मेरे ख्याल से खाली चला होगा, तो ब्रांड न्यू होगा ये बाइक को मैं यहाँ से लूंगा। लेने के बाद जो है कल हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई से, और कल जो हम लोग निकलेंगे कल है 26th of January, तो कल जो है रिपब्लिक डे है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियोज लेना है। और मुंबई खास करके कल शायद थोड़ा सा खाली मिलेगा। जब अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, वैसे आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूं। लास्ट 3-4 दिन से जो है हम लोग मुंबई में कुछ कुछ जगह जो है एक्सप्लोर किए। वैसे ये सच बताऊं तो यार मुंबई मुझे बड़ा पसंद आता है। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ की ट्रैफिक थोड़ा सा यार जो है मतलब दिक्कत देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। खास करके आज मैंने देखा कि मंडे के दिन जब मैं बाहर गया तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कल संडे था, उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन आज तो था। और कल जो है मतलब टुमोरो इट इज़ 26th of January, तो उसी की वजह से जो है ट्रैफिक कम रहेगा। हमारा प्लान ये है कि हम लोग कल जो है गेट ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे, वहाँ से अच्छे अच्छे फोटोज वीडियोज लेंगे, स्टोरीज भी अपडेट करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को जो है फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला पेज जो आपको फॉलो करना है वो तो मेरा पेज जो है कि बुल्लू बाइकर है। जो दूसरा पेज पर जो सारे के सारे एक्सक्लूसिव अपडेट आएगा वो है 250cc प्रो लीग, उसकी जो लिंक है मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। सो वहाँ पे डायरेक्टली जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा आप लोगों को तो पता है कि XBHP की जो पेज है वहाँ पे भी मिलेगा आपको सारे के सारे अपडेट्स। चलते हैं मोटरसाइकिल पिक करते हैं। Hey guys, so finally हम पहुंच चुके हैं KTM शोरूम पे। ये जो KTM शोरूम की नाम है ये आहूजा KTM, जो कि अंधेरी में है, अंधेरी ईस्ट में है। तो यहाँ इसमें से जो है एक बाइक है जिस जो हमें पिक करना है। आपको मैं बता चुका हूँ कि कौन सा बाइक मैं पिक कर रहा हूँ, सो वो है KTM 250 ड्यूक। तो आपको दिख रहा है, कैन यू स्पॉट माई बाइक? एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट बिकॉज सारे के सारे ऑरेंज बाइक्स यहाँ पे है। तो चलते हैं हमारे बाइक के पास और वहाँ से बात करते हैं। सो दिस इज आवर बाइक। तो यही KTM 250 ड्यूक हम लोग लेके जाने वाले हैं अपने बड़े ट्रिप के लिए। सो नेक्स्ट 10 days इज गोइंग टू बी टू मच ऑफ फन अलॉन्ग विद दिस मोटरसाइकिल। तो इसको हम जो है अभी चला के जाएंगे अपने होटल को, फिर कल सुबह जो है हम राइड शुरू करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज, द टाइम इज अबाउट 6-7 in the morning। तो हर चीज़ जो है अपने प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। 6 बजे प्लान था हम लोग निकलेंगे, अभी गाड़ी भी आ चुका है, मतलब जो हमारा जो बैकअप इनोवा है वो भी आ गया है। सो इस बार जो मैं ना मुझे एक स्पेशल सा मतलब खुशी आ रहा है। एक तो जो है मैं नया वाला KTM 250 ड्यूक चलाने वाले हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि इस बार जो अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरली क्या होता है ना, राइड्स में मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं ही बाइक चलाता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो इस बार क्या हो रहा है ना, हमारे साथ एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है जो कि अच्छे अच्छे फोटोज और वीडियोज लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग कॉन्टेंट। मतलब मेरे चैनल पर जो है व्लॉग्स आएगा, जो एडिटेड और प्रोफेशनल वीडियो है वो आएगा XBHP के चैनल पे और KTM इंडिया के चैनल पे। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। अभी जो है हम लोग पैकिंग वैकिंग सब कुछ खत्म हो गया है, बस सामान लोड करना है गाड़ी में, होटल को चेकआउट करना है और फिर निकल जाएंगे। एंड आज रिपब्लिक डे है, सो विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। ये राइनॉक्स की तरफ से फुल गॉन्टलेट ग्लव्स है। सो KTM 250 ड्यूक हमारी राइड रहने वाली है 10 दिनों के लिए। मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ भाई, क्या लाइट है यार, मस्त थ्रो है। तो हम लोगों ने जो है सही टाइम पे शुरू किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को आज ट्रैफिक ओके ओके मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, डेंस ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग भाई लोग, सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह ट्रैफिक दिखाते हो, भाई साहब इसी के लिए तो है KTM ड्यूक। सिटी ट्रैफिक में नेविगेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है।
मुंबई की बिल्डिंग्स देख लो भाई साहब, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। अभी सुबह सुबह हो चुका है दोस्तों, आप देख रहे हो कि हम जो है बाइक चला रहे हैं, अपने KTM 250 ड्यूक चला रहे हैं मुंबई की सड़कों पे, बीच के साइड से होते हुए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि ये क्या पॉइंट है, क्या रास्ता है, लेकिन जो भी है भाई साहब, द फीलिंग इज अमेजिंग, टोटली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया व्यू है। सो आ गए हम गेट वे ऑफ इंडिया में, कुछ बाइकर्स भी हैं यहाँ पे। आज सबकी जो है रिपब्लिक डे राइड रहेगी। व्हाट एन अमेजिंग लोकेशन, बहुत सारे साइक्लिस्ट हैं यहाँ पे एक्चुअली आज। हम लोग जो है अभी गेटवे ऑफ इंडिया पे है और यहाँ से जो है हमारी राइड जो ऑफिशियली शुरू हो रहा है मुंबई से। आज की टारगेट जो है हम लोग पहुँच रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज़ अबाउट 440 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो ये पीछे आप देख सकते हो कि गेटवे ऑफ इंडिया है और ये इस तरफ द फेमस होटल ताज है। सो ये नया, ये पुरानी वाली ताज, ये नई वाली। क्लाइमेट जो है बहुत प्लेजेंट है और यहाँ से हम लोग जो है राइड करेंगे। अभी थोड़ा सा सिटी क्रॉस करके जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रेकफास्ट भी नहीं खाए हैं तो रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट खाएंगे, उसके बाद फिर हाईवे हिट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 440 किलोमीटर की हमारी राइड है और आज की राइड जो है कम्प्लीट हाईवे राइड है, तो उतना पता भी नहीं चलेगा और रास्ते में जो जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगा सारे के सारे चीज़ें इंक्लूड करेंगे वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला है, मतलब राइड भी अच्छा लगेगा और फिर जो डेस्टिनेशन है वो तो उससे अच्छा। और ये देखो भाई, इस जगह की जो है ना फीलिंग बहुत अमेजिंग है यार, देखो। So, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी बाइक। सो ये जो है अपनी KTM 250 ड्यूक है, ब्रांड न्यू है। सो वी हैव डन अबाउट लाइक आई थिंक सो फार वी हैव डन अबाउट 20-25 किलोमीटर्स जो अपने होटल से यहाँ आए और कल जो बाइक पिक करने में जितना लगा बस वही है। तो KTM 250 ड्यूक जो है एक प्रो सेगमेंट के लिए एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। यहाँ से शुरू होती है आपकी जर्नी प्रो लेवल मोटरसाइकिलिंग के लिए। सो नरेमोन पॉइंट की बीच रोड, अब जो है भाई साहब भूख लगने लगा है, अभी खाना खाना है कहीं पे, मतलब ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप लोग मुंबई से हो तो बताइए कमेंट्स में कि वड़ा पाव के अलावा और क्या क्या ब्रेकफास्ट होता है यहाँ पे। अभी जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम, मैंने ऑर्डर किया है इडली सांभर, फिर इसके बाद दही इडली भी ऑर्डर किया है। तो जनरली मैंने देखा है कि दही वड़ा होता है, लेकिन इस बार दही इडली देखा मैंने पहली बार। ट्राई करेंगे और खा के जाएंगे। ब्रेकफास्ट पूरा हैवी करेंगे ताकि लंच में टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। दोस्तों KTM 250 ड्यूक जो है एक सिटी के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है। इसमें जो है दो चार चीज़ें बहुत अच्छा है, खास करके इसकी जो क्लच और गियर की रिस्पॉन्स। क्लच इसकी बहुत लाइट है, मतलब पूरा फिदल लाइट क्लच है, एक उंगली में आप जो है ऑपरेट कर सकते हो इसकी क्लच को। एंड सिमिलरली गियर शिफ्टिंग्स इसका बहुत स्मूथ है। सो ये ड्यूक की एक एडवांटेज ये भी है कि इसकी लो एंड बहुत अच्छा है, खास करके ड्यूक 250 जो है इसकी लो एंड बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे मैं अभी जो है फिफ्थ गियर पे हूँ एंड 40-45 स्पीड पे चला रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं सिक्स्थ गियर भी लगाता हूँ ना, देखो अभी सिक्स्थ गियर पे है एंड गाड़ी अच्छी तरह से जा रहा है, मतलब 49-50 के स्पीड पे आराम से जा रहा है। देखो अब हम जो है फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर भी द बाइक इज़ डूइंग रियली गुड, मतलब इसमें कोई भी नॉकिंग नहीं आया अभी तक। एक्चुअली मैंने जितना सिटी में चलाया ऑलमोस्ट आई थिंक 50 किलोमीटर्स के आसपास मैंने चला चुका हूँ, अभी तक मुझे कहीं पे भी कोई नॉकिंग या फिर पावर लेस होने का चांसेस या फिर टॉर्क की प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अच्छा लग रहा है, इट्स रियली अ फन बाइक टू राइड। और जहाँ आपको मतलब पावर चाहिए, थोड़ा बूस्ट चाहिए, तो बस एक गियर डाउन कीजिए एंड एक्सेलेटर ऐसे घुमाइए तो घूम करके निकल जाता है। इसके अलावा और एक एडवांटेज ये भी है कि ये बाइक जो है बहुत लाइट वेट है, जिसकी वजह से आपको सिटी में नेविगेट करना बहुत इजी होता है। एंड आप देखोगे तो इसकी टैंक बहुत ज़्यादा मतलब लंबा नहीं है, कि आपकी जो हैंडल बार्स ये सब भी बहुत आगे नहीं है, इट इज़ वेरी क्लोज टू योर बॉडी, तो उसकी वजह से जो मतलब कट वट करने के लिए इट फील्स रियली स्पोर्टी एक्चुअली। एंड दिस मोटरसाइकिल एब्सोल्युटली फील्स वेरी स्मूथ। जब हाईवे पे जाएंगे तब थोड़ा हायर आरपीएम पे चलाएंगे, चला के देखेंगे फीलिंग कैसी है, बट अभी तक तो अच्छा लग रहा है। मुंबई की ट्रैफिक शुरू हो गया भाइयों, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास ड्यूक 250 है ना, आराम से हम लोग जो है धीरे धीरे निकल जाएंगे। इन 600 meters स्लाइट लेफ्ट बोला, फिर बोल रहा है कि इन 600 meters स्लाइट राइट। बाप रे बाप, क्या गर्म है, गर्मी हो गया भाई साहब। ओहो,
वाइजर ऊपर करना पड़ेगा, अंदर पूरा गर्मी गर्मी हो गया। गर्मी जो है ना एकदम मजेदार है। आ गए फाइनली हम हाईवे पे आ गए दोस्तों। क्या बताऊं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है ना, अंदर जो है पूरा पसीना पसीना हो जाता है, उसके बाद जब आपको ऐसा ओपन स्ट्रेच मिलता है और थोड़ा सा आप थ्रॉटल करते हो, मतलब 80 90 100 के स्पीड पर चलते हो, ओहो जो फीलिंग होता है ना, मतलब लगता है कि समर में जो है ना विंटर सडनली आ गया। ठंड ठंड लगता है अंदर पसीने की वजह से। इंटर कूलिंग सिस्टम क्या स्मूथ है इंजन। अब 90 की स्पीड पर जा रहा हूँ, मतलब 90-95 के स्पीड पे जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा फील हो रहा है। सूरत 230 किलोमीटर्स, 95 से 100 के अंदर यह बाइक जो है अल्टीमेट स्मूथ भी है, स्टेबल भी है, स्ट्रेस बिल्कुल फील नहीं होता है, इजीली चलता है। मतलब भगाने के लिए और 10-20 किलोमीटर तो आराम से भगा सकते, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये जो है स्वीट स्पॉट है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ऐसे 250cc मोटरसाइकिल पर ही इंडिया ट्रिप करना चाहिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट इट्स ओके, आराम से कर सकते हैं। एंड ये सब मोटरसाइकिल में एडवांटेज ये होता है कि आप जो सिटी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अफ्रीका ट्विन लेके जाऊंगा और इंडिया ट्रिप करने के लिए, तो हाईवे पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सिटी के अंदर एक्सप्लोर करना भाई साहब बहुत डिफ़िकल्ट है। वो फिर वो एक हाईवे वाला ट्रिप बन जाएगा। ये मेरी लाइफ में पहली बार मैं जो है KTM ड्यूक पे मैं कोई लॉन्ग ट्रिप कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी भी KTM ड्यूक पे नहीं किया है, पता अपना 390 एडवेंचर पे मैंने किया है, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं किया है। मुझे एक बार 250 एडवेंचर भी चलानी चाहिए, उसमें देखें कि कैसा फील होता है। ऑलराइट, सो सूरत इज़ अबाउट 98 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो 98 मतलब डेढ़ घंटा, 1.5 आवर। वहाँ से मेरे ख्याल से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है करीब करीब 130 होगा मेरे ख्याल से। सो देखते हैं, आई विल डिसाइड आइदर स्टे बैक इन सूरत और आई मूव अहेड डिपेंडिंग ऑन कि क्या टाइम होता है उसके हिसाब से। बिकॉज एनी वेज अगर हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते भी हैं रात को, कुछ हो नहीं पाएगा, बस एकोमोडेशन लेके चेक इन करके रह जाएंगे। So in that case we can also do that in Surat and then tomorrow early morning around 6 we can start and reach Statue of Unity by 8:30. That also sounds like a better plan. So let's see, no problem. अभी हम लोगों को कुछ फोटोज और वीडियोस है जब सूरज थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि अभी हार्ड स्लाइड हो रहा है, तो अगर सामने से फ़ोटो मेरा कोई लेगा तो दिखाई नहीं देगा ठीक से, स्काई भी नहीं आ रहा है उसके वजह से। थोड़ा सा सन डाउन होने के बाद अच्छा फोटोज आता है। मतलब मेरा ट्रैवल लाइफ देखो, अभी मतलब 2 वीक पहले जो है मैं था नॉर्थ की तरफ, अमृतसर जा रहा था, सेम मोमेंट पे मतलब ऐसे सनसेट हो रहा था तो मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, मतलब अमृतसर जा रहा था बेसिकली। और अभी देखो 2 वीक के बाद अभी वेस्ट में हूँ। गुजरात में हूँ। यही है ट्रैवल वाली लाइफ दोस्तों, कभी इधर कभी उधर कभी किधर, कुछ पता नहीं है।